सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। होली पर अक्सर एक गाना चलता है कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं और गिले शिकवे भूलकर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। यानी ये त्योहार दुश्मनों को भी गले लगाने का त्योहार है, लेकिन आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ये बताना चाहता हूं कि होली के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी इस कदर पहुंच गई है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सबसे करीबी मित्र, यहां के शिक्षा के मॉडल को देने वाले, यहां के लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को ऐसे खतरनाक खूंखार अपराधियों के बीच में जेल के अंदर रखा गया है कि हमें आशंका है उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। देश के सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार कैदी जिस जेल की सेल में रहते हैं उसी सेल में मनीष सिसोदिया जी को रखा गया है। मोदी जी, मनीष सिसोदिया से इतनी दुश्मनी किस बात की है? क्यों इतनी नफरत आप निकाल रहे हैं? न्यायालय का जब आदेश है कि विपसना सेल में उनको रखा जाए तो आप उसका भी सम्मान करने के लिए तैयार नहीं? क्या पहली बार जेल जाने वाले किसी व्यक्ति को ऐसे खूंखार कैदियों के बीच में रखा जाता है? उनका अपराध क्या है कि उन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, आज इसकी सजा दे रहे हैं आप उनको? और आम आदमी पार्टी से इतनी दुश्मनी, ये पूरा देश आज देख रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के मॉडल को ध्वस्त करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को ध्वस्त करने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, फिर शिक्षा मंत्री को जेल में डाला। आरोप जो लगा है शराब घोटाले का, उसका न सिर है न पांव है। 14-14 घंटे सीबीआई छापेमारी करती है मनीष सिसोदिया के घर, कुछ नहीं मिलता। गांव में छापेमारी करती है, कुछ नहीं मिलता। दफ्तर में छापेमारी करती है, कुछ नहीं मिलता। बैंक का लॉकर चेक करती है, कुछ नहीं मिलता। पहली चार्जशीट दाखिल करती है, गवाहों के बयान लेकर दाखिल करती है, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं डालती। दूसरी चार्जशीट दाखिल करती है, सारे लोगों का बयान दर्ज करके चार्जशीट दाखिल करती है, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं रहता। अचानक मनीष सिसोदिया मुख्य साजिशकर्ता हो जाते हैं, उनको आप गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया है जिनके घर पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनको आप खूंखार कैदियों के बीच में रखे हुए हैं, उनकी हत्या कराने की साजिश करा रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी कर्नाटक के अंदर, ज्यादा दिन का उदाहरण नहीं, और मैं तो मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सवाल पूछिए, 8 करोड़ रुपए की कैश भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एमएलए के लड़के के घर में पाई गई। 8 करोड़ रुपए का कैश, मोटी मोटी गड्डियां लोगों ने देखी टीवी चैनल्स पे। ना वहां ईडी पहुंचती है, ना वहां सीबीआई पहुंचती है, उसको बेल मिल जाती है, जमानत हो गई उसकी। तो क्या आप लोगों का और क्या इस देश के लोगों का मन, उनका ध्यान, उनका दिमाग इस घटना की ओर नहीं जा रहा है?
कि जहां बीजेपी एमएलए की बात हो, जहां 8-8 करोड़ का कैश मिले, वहां तुरंत जमानत मिल गई, न ईडी गई न सीबीआई गई, और मनीष सिसोदिया को आपने पकड़ के न्यायालय के आदेश के बावजूद ऐसे सेल में डाल दिया जहां पर उनकी हत्या भी हो सकती है, उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है। देश के सबसे खूंखार अपराधियों के बीच में आपने उनको रख दिया, जिन्होंने कई हत्या और कई तरह की घटनाएं कर दी, कर चुके हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप और आपकी पार्टी इतने ज्यादा नफरतों से भरे हैं कि दिन रात ईडी और सीबीआई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह उठो तब कोई एक खबर आ जाती है, यहां छापा वहां छापा, रात में सोने जाओ तब तक कोई दूसरी खबर आ जाती है, यहां छापा वहां छापा, सुबह उठो फिर ही न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न बिजली पे, न पानी पे, न देश की उन्नति पे, न तरक्की पे, न विकास पे, कोई बात नहीं, सिर्फ क्या इन पे छापा, उन पे छापा, उन पे छापा, उन 7-8 महीने इलाज करा के आए लालू यादव जी। किडनी की बीमारी से ग्रस्त है, अमानवीयता की पराकाष्ठा देखिए, आप पूछताछ करने चले गए, 2.5-2.5 घंटे पूछताछ कर रहे हैं। आज पता चल रहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी पे ईडी का नोटिस चला गया। तो मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, एक नियम बनाइए कि मुर्दों से भी पूछताछ करने की इजाजत होगी ईडी और सीबीआई को। खोद खोद के कबर खोदने में लगाइए इन एजेंसियों को, कबर खोदिए, मुर्दों को निकालिए, मुर्दों को डंडा मार मार के पूछताछ कीजिए। जब इतनी नफरत आप लोगों के मन में भरी है तो मुर्दों से भी पूछताछ करने की छूट दीजिए ईडी सीबीआई को। कब्रिस्तान खोदे, शमशान में जाके जो हड्डियां पड़ी हो उससे पूछताछ करें, जब कोई काम ही नहीं आपके पास। 2% शिक्षा का बजट रखा है आपने देश का, स्वास्थ्य का बजट 2% रखा है, पिछली साल की तुलना में शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट आपने कम कर दिया, क्योंकि आपको सारा ध्यान तो आपका लगता है विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने में, आपका तो दिमाग ही नहीं है शिक्षा स्वास्थ्य पे, बिजली पानी पे, किसानी पे, तरक्की पे, उन्नति पे, आपको तो सिर्फ यह है कि ऐसे इसकी गर्दन दबाओ ऐसे उसकी। तो एक नियम बना दो, आपकी कानून लेके आओ प्रधानमंत्री जी, कि मुर्दों से भी ईडी और सीबीआई पूछताछ करेगी, कबर खोदेगी, शमशान में जाएगी, हड्डी इकट्ठा करेगी, उससे पूछताछ करेगी। और अगर मुर्दे ना बताएं तो यमराज के पास जाके पूछताछ करेगी। क्या मजाक बना रखा है आपने, इस देश का मजाक बना दिया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो जानकारी मिली है मनीष सिसोदिया जी को, देश के सबसे खूंखार अपराधियों के सेल में रखा गया है, इसमें जेल प्रशासन के लोगों को, अधिकारियों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं, भाजपाइयों के हथकंडे में मत फंसो, कोई घटना हो गई तो जवाब तुमको भी देना पड़ेगा। और तिहाड़ जेल वैसे भी बहुत संवेदनशील जेल है, आपको मालूम है कई बड़ी घटनाएं जेल के अंदर हो चुकी हैं, हत्या तक की घटनाएं जेल के अंदर हो चुकी हैं, और इसलिए हम सबकी चिंता है कि मनीष सिसोदिया को न्यायालय के आदेश के बावजूद विपसना सेल में नहीं रख के सेल नंबर 1 में अपराधियों के, खूंखार अपराधियों के बीच में रख के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग मनीष सिसोदिया की हत्या की साजिश रच रहे हैं और उनकी हत्या कराना चाहते हैं, इस नियत से कार्रवाई की गई है। मुझे इतनी बात कहनी थी, आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि भाई इस बार अभी 13 तारीख से सत्र आ रहा है,
उसमें एक कानून लाना चाहिए कि ईडी और सीबीआई को कब्रिस्तान और शमशान में भी पूछताछ करने की छूट दी जाए। मुर्दा खोदो और मुर्दे से पूछताछ करो। जो सरकार देश के शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट कम करती है, देश के सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर लाती है, नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है, उस सरकार को सिर्फ दिन रात एक ही चिंता है, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको नोटिस, इसको नोटिस। रोज सनसनी फैलाओ, अपने दोस्त अडानी को लाखों करोड़ रुपए की लूट की छूट दो, हिंदुस्तान का कोयला लूट लो, गैस लूट लो, बिजली लूट लो, पानी लूट लो, एयरपोर्ट लूट लो, सीपोर्ट लूट लो, सब कुछ लूट लो, उसके पोर्ट पे ड्रग्स का धंधा कराओ, उस पे कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी के एमएलए के घर 8 करोड़ रुपए कैश पकड़ा जाए, उस पे कार्रवाई नहीं होगी। कभी केसीआर जी की बेटी को, कविता को नोटिस भेज दो, कभी 6-7 महीने इलाज करा के लालू जी आ रहे हैं, उनसे पूछताछ कराओ, लेकिन अपने मित्रों को बचाओ। यह है मोदी जी का फॉर्मूला। आप बताइए, मरणासन्न अवस्था में जो लोग हैं उन पे सीबीआई ईडी कार्रवाई कर रही है, गंभीर बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं, जिनको डॉक्टरों की सलाह पर कहा गया है कि भाई इनको अभी सुरक्षित रखना है, लालू यादव जी से सीबीआई पूछताछ कर रही है, और वो देखिए भाजपा का एमएलए 8 करोड़ उसके घर पाया गया, छूट के बाहर हो गया, जमानत उसके बेटे के घर पाया गया, जमानत हो गई, निकल गया बाहर, ना ईडी गई ना सीबीआई गई। तो अगला कानून प्रधानमंत्री जी को इसी सत्र में लाना चाहिए, ईडी और सीबीआई को मुर्दों से पूछताछ की छूट दी जाए। जो लोग कब्रिस्तान में दफना दिए गए या शमशान में जला दिए गए, उनकी हड्डियां लेकर दिन भर रात भर पूछताछ करें, और अगर वो लोग भी जवाब ना दे तो यमराज से पूछताछ करने की छूट दी जाए। जब ऐसे पागलपन की सरकार चल रही है, जिसका दिमागी फिर गया है, दिमागी संतुलन ही जिस सरकार का काम नहीं कर रहा है, बिगड़ चुका है, इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए, इनको तो इलाज की जरूरत है। किसी पागल खाने में जाके इस सरकार के लोगों को, इनके अधिकारियों को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए, और फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, देश की तरक्की के बारे में कुछ सोचे, कुछ विचार करे, कुछ काम करे। मैंने बताया तो शिक्षा स्वास्थ्य का बजट इस सरकार ने कम किया, अग्निवीर लाके नौजवानों की जिंदगी बर्बाद की, सेना को कमजोर किया, किसानों को उनके फसल का दाम देते नहीं, महंगाई चरम पर बढ़ाते हैं, काम कुछ देश के लिए करना नहीं है, देश को खाली अपने एक मित्र से लुटवाना है, LIC लूट लो, बैंक लूट लो, कोयला लूट लो, गैस लूट लो, एयरपोर्ट लूट लो, सीपोर्ट लूट लो, ड्रग्स का धंधा करो, देश बर्बाद करो, लेकिन मनीष सिसोदिया जो शिक्षा के लिए काम करेंगे उनको पकड़ के जेल में डालो, सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे उनको पकड़ के जेल में डालो, आम आदमी पार्टी वालों को बदनाम करो, उनकी हत्या तक करवा दो, चलेगा ठीक है। तो मैं बड़ी गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री जी को सलाह दे रहा हूं, अगले सत्र में कानून लाइए, ईडी सीबीआई को दिन रात इनकी संख्या भी बढ़ाइए, बजट भी बढ़ाइए, एक एक कब्रिस्तान में मुर्दों से पूछताछ की छूट दी जाएगी, मुर्दा निकाल निकाल के कब्र खोद खोद के पूछो। समय आने दीजिए, इन सवालों का जवाब देंगे उस पर, समय आने दीजिए। अभी तो जो मौजूदा समय में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला है वो खुली तस्वीर की तरह है। एक तरफ बीजेपी का एमएलए है, उसका बेटा है, जिसके घर पे 8 करोड़ रुपए की कैश बरामद होती है, मोटी मोटी गड्डियां टीवी चैनल पे चलती है, दिखाई जाती है, उसके घर ना ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना उसको कोई गिरफ्तार करता है, उसको बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया है, जिनके घर पे कुछ भी बरामद नहीं होता, गांव में कुछ नहीं बरामद होता, दफ्तर में कुछ नहीं बरामद होता, बैंक के लॉकर में कुछ नहीं बरामद होता, उनको आप जबरदस्ती जेल में रखे हुए हैं, जिनका नाम पहली चार सीट में नहीं, दूसरी चार सीट में नहीं, विपसना सेल में उनको रखने के लिए कोर्ट ने कहा,
बावजूद इसके आपने उनको खूंखार अपराधियों के बीच में उनकी हत्या कराने की नियत से रखा। तो अभी तो मामला ये है सामने। देखो, महिला आरक्षण बिल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, मूलतः महिलाओं के ही खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, तो महिला आरक्षण बिल को लेके जो उनका प्रोटेस्ट था उसके पहले की ये कार्रवाई कहीं ना कहीं उस आरक्षण की आवाज को, महिला आरक्षण बिल की आवाज को दबाने की कोशिश भी है। कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप और आपकी पार्टी इतने ज्यादा नफरतों से भरे हैं कि दिन रात ईडी और सीबीआई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह उठो तब कोई एक खबर आ जाती है, यहां छापा वहां छापा, रात में सोने जाओ तब तक कोई दूसरी खबर आ जाती है, यहां छापा वहां छापा, सुबह उठो फिर ही न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न बिजली पे, न पानी पे, न देश की उन्नति पे, न तरक्की पे, न विकास पे, कोई बात नहीं, सिर्फ क्या इनपे छापा, उनपे छापा, उनपे छापा, उन 7-8 महीने इलाज करा के आए लालू यादव जी, किडनी की बीमारी से ग्रस्त है, अमानवीयता की पराकाष्ठा देखिए, आप पूछताछ करने चले गए, 2.5-2.5 घंटे पूछताछ कर रहे हैं। आज पता चल रहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी पे ईडी का नोटिस चला गया। तो मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, एक नियम बनाइए कि मुर्दों से भी पूछताछ करने की इजाजत होगी ईडी और सीबीआई को। खोद खोद के कबर खोदने में लगाइए इन एजेंसियों को, कबर खोदिए। मुठ लोग हमें दिल्ली में हरा नहीं पाए, एक बार हुआ चुनाव, दो बार चुनाव हुआ, तीन बार चुनाव हुआ, लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना। आप लोग हमें एनसीडी में नहीं हरा पाए, लाख षड्यंत्रों के बाद भी मेयर और डिप्टी मेयर आज हमारी बन गई। क्या इस हार का बदला प्रधानमंत्री जी इस तरह से लेंगे? क्यों ऐसा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी की चुप्पी सबके सामने है? क्या ये षड्यंत्र तो नहीं कि आम आदमी पार्टी को अब आप राजनीतिक रूप पे तो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जेल में भी आपने हमारे नेताओं को भेज दिया, तो लोगों की सहानुभूति पार्टी के साथ बढ़ रही है, तो अब ये षड्यंत्र हमारे शीर्ष नेताओं की हत्या तक पहुंच गया है? ये बहुत खतरनाक संकेत है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कोर्ट के सीधे आदेश थे जो मीडिया चैनल्स ने टीवी पे चलाए, अगले दिन अखबारों में चले, कि मनीष जी को विपासना वाले सेल में रखा जाए, जहां पे वो विपासना कर सके, यानी कि मेडिटेशन कर सके, ध्यान लगा सके। कोर्ट की इन डायरेक्शंस के बाद भी उनको इस तरीके के हार्डन क्रिमिनल्स के साथ क्यों रखा जा रहा है, हमें जानना चाहेंगे। और आज हमारे बीच में मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी होली के दिन नहीं है, ये कमी तो है ही। इसके साथ आज ये चिंता भी है कि क्या केंद्र सरकार अब राजनीतिक हत्याएं भी करवाएगी? हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार इसका जवाब दे, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, और हम उनकी घोर जो है इस कदम की निंदा करेंगे।